जिला प्रशासन ने दिल्ली गाजियाबाद सीमा को पहले की तरह यानी लॉकडाउन 2 की तरह सील करने का फैसला किया है। अब सिर्फ दिल्ली और केंद्र सरकार में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों, चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों को ही आने जाने की इजाजत होगी। एम्बुलेंस और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों को भी प्रवेश दिया जाएगा। दिल्ली में कार्यरत लोगों को सुबह 9 बजे से पहले निकासी और शाम 6 बजे के बाद प्रवेश दिया जाएगा। शिफ्टों में काम करने वाले लोगों को वैध पास में इजाजत दी जाएगी। लेकिन बॉर्डर सील रहने के दौरान क्या नियम होंगे ये भी जान लीजिए। आवश्यक कामों में लगे लोगों को बिना पास के जाने की अनुमति होगी। डॉक्टर, पैरामेडिकल कर्मी, पुलिस, बैंक कर्मियों के लिए किसी पास की जरूरत नहीं होगी। एम्बुलेंस बिना किसी रोक टोक के चलेंगी। मीडिया कर्मियों को केवल अधिकृत परिचय पत्र दिखाना होगा, इसके अलावा उन्हें किसी पास की जरूरत नहीं है। सीमा में प्रवेश और निकासी सिर्फ सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। अलग अलग शिफ्टों में काम करने वाले आवश्यक सेवा से जुड़े कर्मियों को छूट होगी। इसके साथ ही इस लिंक पर ई पास की सुविधा पहले की तरह उपलब्ध होगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।